नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सैफ अली खान की फिल्म काला कांदी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में एक्ट्रेस नीरी सिंह का अहम रोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीरी सिंह कभी लड़का हुआ करती थी और उनका नाम नरेंद्र सिंह था। फिर कैसे और क्यों उन्होंने लड़की बनने का फैसला लिया, इसका खुलासा नीरी ने हाल ही में किया। नीरी ने बताया, बतौर मेल में डांस शोज में खूब हिस्सा लेती थी, हालांकि उस डांस को महिलाओं की तरह एंजॉय करती थी। कभी कभी मैं लड़कियों के कपड़ों में डांस करती थी और देखती थी कि मुझे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। नीरी कहती हैं, मैंने आदमी के रूप में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मैं परफॉर्म किया था। प्रोड्यूसर ने मुझसे कुछ और मांग की थी, लेकिन मैंने यह कहकर इनकार कर दिया था कि नेशनल टीवी पर महिला बनकर मैं डांस नहीं कर सकती। जब फराह खान ने शो में हस्तक्षेप किया तो मैं शो छोड़ने वाली थी। चैनल ने फराह से मुझे कन्विंस करने को कहा, जब एक सक्सेसफुल फिल्ममेकर आपके काम की सराहना करती है तो आप कभी ना नहीं कह पाते। वह एपिसोड हिट हुआ। इसके बाद सोनी टीवी ने कई बार अपने शो में मुझे परफॉर्म करने को बुलाया। महिला बनकर नीरी हिट हो गयी, तभी उन्होंने हमेशा के लिए महिला बनने का फैसला कर लिया। नीरी ने बॉलीवुड में तमाशा और मॉम जैसी कई फिल्मों में काम किया है।